तो गाइस हम लोग पहुंच चुके यहाँ आरती भी शुरू हो गया यार। यहाँ जो है मटका फोड़ का आयोजन किया गया है, लेकिन अभी जो है मटका फोड़ने वाले हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। आज है 19 अगस्त और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज का व्लॉग कुछ अलग होने वाला है। हम लोग अपने यहाँ गांव में जो है जन्माष्टमी का उत्सव मनाने वाले हैं, मटकी फोड़ का आयोजन किया जा रहा है। और आज तो मार्केट अपन गए नहीं, जन्माष्टमी है तो ठीक है। अभी जो है मैं नहा ले रहा हूँ, तो भाई साहब पानी नहाना वहाना तो हो गया मेरा। और देखो बारिश स्टार्ट है, एकदम तगड़ा वाला बारिश हो रहा है। ये देखो बहुत ही खतरनाक बढ़िया टाइप से अच्छा वाला बारिश चल रहा है, इधर बारिश चालू है। और देखो क्या रहा है बाबू, पानी गिरत कैसे लगा थे? पानी गिरत मजा आ रहे, मजा आ रहे है। अरे ये क्या है? अरे ये मुनगा का भाजी है। मुनगा भाजी? मुनगा भाजी। तो भाई साहब देखो आज मुनगा भाजी बनेगा। भाजी आप बनाओगे? भाजी हाँ। देखो मुनगा भाजी, मुनगे मुनगे की भाजी का सब्जी जो है बनेगा। नाना बनाऊंगे बोल रहे हैं, शाम को बनाएंगे इसका सब्जी। तो भाई साहब अभी जो है 3 बजने वाले हैं, अपने मार्केट जाने का टाइम है, लेकिन आज मार्केट नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत दूर से भैया लोग जो है मेरे से मिलने आए हैं। ये देखिए भैया, मैं अतुल सिंह राजपूत, मेरा अभी यूट्यूब चैनल है अतुल कृषि, तो भाई भी हमारे कृषि से जुड़े हुए, वेजिटेबल शॉप सब्जी सब चीज़ें, इसलिए हम इनसे जानकारी लेने थे कि मार्केटिंग में जो है वो किस तरह से सब्जियों की डिमांड बनी हुई है, तो उसके बारे में भाई काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो उनसे जानकारी। बहुत अच्छा लगा भाई कि फर्स्ट टाइम भैया आए, तो इनका चैनल मैं देखा थे, मैसेज किए थे मेरे इंस्टाग्राम में, तो बहुत बढ़िया लगा। फिर सवेरे से जो है ना, मतलब एकदम रियल बताऊं मैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मतलब मिलने आ रहे करके, तो एकदम से 10 बजे से ना नहा वहाँ, मैं उठा 9 बजे, फिर नहा वहाँ के रेडी हो गया था कि आ रहे मिलने करके। फिर देख रहा था, फिर भैया बोले आ रहे करके, फिर उसके बाद लेने गया। फिर अभी बहुत टाइम तक बात किए भैया से, अंदर काफ़ी सारी जानकारी, अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली हमको जो सब्जियों को लेकर के। और अभी आगे हम लोग मंडी का भी प्लान कर रहे हैं कि भाई के साथ मंडी चलेंगे, वहाँ पे एक्चुअल में देखेंगे कि किसान भाइयों की किसी खेती में आगे आना चाहिए इसके बारे में। मतलब बहुत अच्छा लगा भैया से बात करके यार। और इनका चैनल है अतुल कृषि करके। और एक चीज़ और यार कि ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं ना आप लोग फिर भाई प्रमोशन कर रहे करके बोलोगे, तो ये प्रमोशन नहीं है, बस फार्मिंग करते हैं। और फार्मिंग को ना आगे जो है हम लोग को बढ़ाना है, खेती को आगे लेके जाना है, तभी जो है देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए भैया जो भी खेती करना चाहते हैं वो भैया के चैनल में एक बार ज़रूर विजिट करना। तो ठीक है भैया, धन्यवाद भाई। भैया मतलब पहले आप भी मतलब देखे होगे आसपास कोई लड़का कर रहा है करके, तो देखे कैसा लगा था? मतलब बहुत खुशी लगा, बहुत ज़्यादा खुशी लगी, क्योंकि ना मैं YouTube में जैसे काम ही कर रहा हूँ, तो इसमें काम करते करते मतलब लोग क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कर क्या रहे, तो कोई और कर रहा है तो उससे मिलो तो एक अलग ही खुशी होता है कि हाँ भाई हम दोनों साथ एक ही रास्ते में चल रहे हैं, तो बहुत खुशी, इसलिए और ज़्यादा एक्साइटेड था कि मिलना ही है करके। मतलब कोई मिलने आया ना तो इस चीज़ का मेरे को खुशी ज़्यादा हुआ कि चलो कोई अपने टाइप का समझने वाला बंदा जो है मिलने आ रहा है, जो कि YouTube के बारे में समझता है जानता है करके, नहीं तो गांव वाले तो पूरा पागल ही समझते हैं भाई। मेन वही प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है। बना रहे हैं मतलब सबसे पहले ये बोलेंगे कि क्या करते हो आप, तो YouTube वीडियो बनाते हैं, तो उसके अलावा और क्या करते हो, तो मतलब उसको काम ही नहीं समझते सबसे पहले। नहीं समझते, बस ऐसा बोलते हैं कि रील बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, ऐसा टाइप से मतलब लोगों का सोचना है भैया। और हम लोग का रहता है भाई, आप भी जैसे कि सामने जो देख रहे हैं उनके लिए जो काम कर रहे हैं, तो हम भी उन देखने वाले हैं उनके लिए, हम आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहता है, तो उनके लिए हम वीडियो लाते हैं जो है वो। तो ठीक है भाई, अब भैया जो है जा रहे हैं अपने, जा रहे हैं, ठीक है फिर मिलेंगे। वही बता रहे हैं ना, मंडी में अपन मिलेंगे, वहाँ पे एक तो जो फार्मर लोगों की चीज़ का डिमांड रहता है उसको जानेंगे, और आप तो भाई अब मंडी जाते रहते हैं तो नॉलेज अच्छा है आपको, तो उसके बारे ठीक है ना, तो वीडियो आएगा भैया के साथ में। ठीक है भाई जी, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राम राम आप सभी को। तो भाई साहब भैया लोग अब जा रहे हैं, बड़ी दुख हो रहा है मेरे को जा रहे हैं, मन तो ऐसा कि रोक लूँ करके, लेकिन
मजेदार है भाई, तो ठीक है जाने देते हैं। ठीक भाई, मिलबो ना यार, जल्दी मिलबो। आप मन भी तीर जल्दी मिलबो हमारे वीडियो के माध्यम से। ठीक भैया, चलो फिर आप जाओ यार, कहा बोलो मैं, विदा विदा। ठीक है, तो भाई साहब फाइनली वो लोग चले गए। बहुत अच्छा लगा कि वो उनका भी चैनल है फार्मिंग से रिलेटेड। सबसे पहले एक बात और यार, कि आप लोग ये मत समझना कि चैनल का जो है प्रमोशन करवाने वो आए थे या मैं जो है उनके चैनल का प्रमोशन कर रहा हूँ, तो ये कोई प्रमोशन नहीं था। बस वो जो है मेरा वीडियो देखे थे और पास ही का यही बिलासपुर के हैं और छत्तीसगढ़ के हैं, तो भाई है अपना, तो वो भी मिलने आ गए। उनका जो चैनल है वो मेरे से बड़ा चैनल है और मेरा जो है छोटा चैनल, तो बड़ा छोटा को तो मैं वैसे मानता नहीं हूँ भाई, मतलब कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सब एक जैसे ही है। तो भैया जो है मेरे से मार्केट के बारे में पूछने आए थे मुख्य रूप से, कि यहाँ जो है सब्जियों का मार्केट कैसा है, और अपने वीडियोज भी मेरे को दिखाए और पूछने आए थे कि किस टाइप से वीडियो बनाया जाए जिससे फार्मर्स लोग को पसंद आए करके, तो उसी के ऊपर पूरा डिस्कशन किए हम लोग। बहुत टाइम तक बात किए, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। युवा है, फार्मिंग को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है भाई। देश के किसान का ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। किसान जब तक युवा जो है फार्मिंग में नहीं आएगा तब तक ग्रोथ नहीं होगा। तो ओवरऑल बढ़िया था, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोग में से कोई खेती किसानी करना चाहता है और मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सभी फार्मिंग, तो फार्मिंग से रिलेटेड जो वीडियोस है वो भैया बनाते हैं, तो उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बार बार मैं आप लोग एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, प्लीज़ प्रमोशन जो है मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ। बस ये है कि जो फार्मिंग करना चाहते हैं उनको बता रहा हूँ कि उनका चैनल है करके। ठीक है भाई, तो भाई साहब अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अभी जाने वाले हैं इधर थोड़ा सा घूमने के लिए। तो भाई साहब देख सकते हैं ये पहुंच गए अपन प्रदीप भैया के घर, और उधर देखो पीछे प्रदीप भैया जो है गैया चरा रहे, तो चलो चलते हैं उसी के पास पास भाई, गाड़ी को जो है लेके चलता हूँ उधर। और इधर आगे आगे देखो भैया जी गैया चरा रहे हैं। प्रदीप भैया आज खाली है भाई, आज मार्केट नहीं गए हैं ना, तो मैं सोचा कि गैया चरा लूँ भाई, गौ माता की सेवा में। तो कैसा लग रहा है गैया चरा के? अच्छा लग रहा है भाई, आज बिल्कुल फ्री हूँ एकदम एकदम फ्री। मैं भी फ्री, मैं भी मार्केट नहीं गया, वैसे तो फ्राइडे को मार्केट मैं भी नहीं जाता भाई। आप सभी को यार कृष्ण जन्माष्टमी की में बहुत बहुत बधाई भाई। चलो फिर यहाँ से निकल रहे फिर। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके यहाँ, देखो मटका फोड़ का आरती भी शुरू हो गया यार। यहाँ जो है मटका फोड़ का आयोजन किया गया है, देखो उधर पीछे लाइट में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी जो है फोड़ने वाले हैं। साउंड बड़े बड़े बक्से लगे उसमें, मेरा आवाज शायद सही नहीं आ रहा होगा। तो चलो अपन भी चलते हैं आरती में, क्या ये फूट पाएगा मटका, फूट पाएंगे। चलो भाई भाई साहब देखो पूरा मटकी फोड़ने के लिए पूरा सभी लोग रेडी हो गए हैं। देखो इतना ऊपर बंधा है, पता नहीं कितना टाइम, क्या लगता है मामा क्या फूट पाएगा, होने वाला है? और कितने का प्राइस रखा गया इसमें? 550 रुपए इनाम। 550 एक रुपए के 551 रुपए what you want with you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain it brings you don't ever wanna give me wings you don't ever wanna set me free you know I'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when I've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through Got issues in my head I like you in my bed But you keep me on red. Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares Sitting right there But if I lay down and I play dead And I stay dead
you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my फाइनली अपन मटका फोड़ उत्सव जन्माष्टमी उत्सव जो गांव में हो रहा था उसको देख के वापस घर आ गए. और वहां पास इतना ज़्यादा नॉइस था, इतने ज़्यादा साउंड सिस्टम बज रहे थे जोर जोर से कि मेरा आवाज़ सुनाई नहीं देता. इस वजह से वहां व्लॉग नहीं किया, बस शूट किया. तो फाइनली तीन मटका जो है वहां लगाया गया था लड़के लोग के द्वारा, और उसमें से दो मटका वो लोग फोड़े उसको मैं देखा. तीसरे मटके के लिए नहीं रुका क्योंकि मैं घर आ गया, फिर लेट हो रहा था ज़्यादा टाइम. अभी वो लोग फोड़े होंगे. तो कैसा लगा आप लोग को हमारे गांव का मटका फोड़ और जो युवा है उनका उत्साह, ये नीचे कमेंट ज़रूर करना. और आज के वीडियो में इतना ही. ये वीडियो कैसा लगा उसको भी बताना. फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में. तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़.